जो आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इससे क्या मकसद था? क्या मकसद यही था कि जो लोगों पे अगेंस्ट भूल भाल आरोप लगाया जा रहा है और उनके ऊपर आरोप यही लगा रहा जाए कि वो लोग थ्रेट कल्चर चलाते थे, हालांकि कोई एविडेंस कोई प्रूफ है नहीं आप लोगों पे, हम लोग के ऊपर में बोला जा रहा है, बस इस कारण से कि हमारे बीच में मतभेद था कि हम लोग ड्यूटी वापस से रिज्यूम करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद और इन लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, तो इसी चलते ही उन लोगों को अपने गला का कांटा निकालना था और बस इसी कारण से उन लोगों ने हमारा नाम थ्रेट कल्चर में घुसा दिया है। हालांकि कोई एविडेंस नहीं है, जो इंक्वायरी कमेटी हुआ वहाँ पर भी कोई एविडेंस उन्हें मिला नहीं है, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लग चुका है, लेकिन आज हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बस सारे डॉक्टर्स के लिए है जिनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है और जल्द से जल्द वो लोग वापस अपने ड्यूटी में ज्वाइन कर पाए ताकि पेशेंट को उनका सेवा सही तरीके से मिल पाए। कितने लोगों के खिलाफ एलिगेशन लगाया गया? लगभग आप समझ लीजिए हर टोटल 15 से 20 कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है बंगाल में, जिनमें से हर कॉलेज में से 40 से 50 लोग को स्पेसिफिकली सेलेक्ट करके इन लोगों ने इनका नाम दे दिया है। मैंने आरजी कर से कितने लोग हैं? आरजी कर से 53 लोग हैं। 53 लोग, उसमें आप भी शामिल हैं? उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो ये लोग किन लोगों ने लगाया आपके आप ये जनरली आरडीए वालों ने ही लगाया है, बाकी लोगों को उत्साहित करके एक ग्रुप में पोल जैसा आया, वहाँ पर उन लोगों ने नाम दे दिया और पहले उन लोगों ने मतलब कंप्लेन कर चुके हैं कि ये लोग ऐसे ऐसा कर रहे हैं, थ्रेट कल्चर चला रहे हैं, उसके बाद ग्रुप में पोल आता है कि इन्होंने क्या किया है वो बताइए, जब आपको पता ही नहीं है इन्होंने क्या खराब काम किया है तो आप उनके नाम पर कंप्लेन कैसे कर सकते हो? पहले कंप्लेन कर दिया उसके बाद एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। आप लोग सस्पेंड हैं या नहीं? हमारा स्टे ऑर्डर लग चुका है, हाईकोर्ट से हम लोग स्टे ऑर्डर लगवा चुके हैं क्योंकि कोई इस चीज़ का कोई उनके पास कोई चार्जशीट या कोई एविडेंस ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग जो वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं इंक्वायरी कमेटी में वो भी निकाले, हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग को सबमिट किया जाए, वापस चार्जशीट दिया जाए, तब समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है? नहीं, हाईकोर्ट में। आप लोगों को जो है वो नवनों से आपने कांटेक्ट किया कि भाई हमारे लिए? जी, आज हमने जो एसोसिएशन बनाया है इसके बाद हम लोग सीएम साहब से भी सीएम मैडम से भी अनुरोध करेंगे कि हमारा भी बात सुना जाए, सिर्फ एक तरह एक पक्ष का बात नहीं सुना जाए, हमारा भी बात सुन के उसे जो सही होगा सटीक होगा उसके साथ में खड़ा रहा जाए। हेल्थ मिनिस्टर से आप लोग क्या डिमांड करेंगे? हेल्थ मिनिस्टर से हमारा यही डिमांड है कि जो भी काम हो वो स्वस्थ तरीके से हो और सारे ही लोग अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करें, बस और कुछ हमारा डिमांड नहीं है। और हमारा जो ये जो एसोसिएशन इसको बनाया गया है, बहुत सारे कॉलेज अलग अलग कॉलेज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम लोग अपना ड्यूटी सही से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने भूल आप बोल सकते हैं कि जिनका कोई एविडेंस के ऊपर में आरोप लगाया गया है, थ्रेट कल्चर बोला गया है, उनको लेबल किया गया है, हालांकि उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस है नहीं, तो इस चीज़ से ताकि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो डॉक्टर है वो उस अपने काम से रुक नहीं पाए, तो हम लोग यही ट्राई करेंगे कि वो लोग सब अपने काम में जल्द से जल्द वापस जा पाए और हम लोग हाई जैसे कि आरजी कार्ड से हम लोगों ने हाई कोर्ट से ले लिया है ऑर्डर और वहाँ से हम लोगों को बोला भी गया कि आप लोग वापस काम पे जाइए और जो ऑर्डर पास इन लोगों ने जो भी नोटिस पास किया था वो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड है, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अनलॉफुल है, तो इसी वजह से आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। कुछ लोग हैं जो लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे या उनके पास केस करने तक का भी पैसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक सपोर्ट जैसा उनके लिए खड़ा होना चाहते हैं कि ताकि रोगी का परिसेवा कभी रुकना नहीं। आप लोग कई सारे नहीं थे, आप लोग ये आंदोलन में नहीं थे, अभी तो लगातार आंदोलन चल रहा था? बिल्कुल, हम लोग ये आंदोलन में शुरू से थे, इनफैक्ट ये आंदोलन हम लोगों की तरफ से ही स्टार्ट किया गया था, लेकिन हम लोगों को एक्चुअल में थ्रेट देकर हटाया गया कि अगर यहाँ तक भी मैसेजेस हैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट थे कि ये लोग अगर कॉलेज में आएंगे तो उन लोगों को देखा जाएगा, ये बोलकर हम लोग को साइडलाइन किया गया। तब से ये तब से हुआ है जब से आपका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था कि आप लोग काम में वापस योगदान दें, और हम लोगों ने भी बहुत चिंता भावना किया कि सच में ये बहुत एक खराब घटना घटा था, हमारे भी मन में दुख था, बट एक तरीका से हमें और भी लोगों के बारे में सोचना है, हम डॉक्टर्स बनने वाले हैं तो वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस, कुछ अगर मैं इमोशनल होकर रहूँगा तो डॉक्टर्स के नाम पे मैं कुछ गलत डिसीजन ले लूँगा, तो इस तरीके से हमें हमेशा अपने इमोशंस में कंट्रोल रखना सिखाया गया है, तो उसी तरीके से हमने सोचा कि एक जन
के साथ इतना बुरा कंडीशन, मतलब बुरा जो भी घटना घटा है उसके एवज में हमने कुछ दिन विरोध किया और हमने बहुत सारा अपना डिमांड्स वगैरह भी रखा था सीबीआई वगैरह का, जो कि पूरा लगभग हो भी गया। अब वहाँ पर ऊपर जाने के बाद तो अब स्टेट में कुछ करने का फायदा नहीं है, तो हमने क्या किया, अब हमने डिसाइड किया कि हम लोग काम पे वापस जाएंगे। लेकिन इन लोगों को लगा कि यहीं पर मतभेद आ गया कि नहीं, इन लोगों को हमने स्टेटस वगैरह दिया कि अब तो आ गया है भाई कि कोर्ट से ऑर्डर है, अब शायद काम करना पड़े, हम लोग को बहुत दुख हो रहा है लेकिन काम करना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि इन लोगों को हटाना पड़ेगा और पूरा ही हम लोग काम को रोकेंगे और काम नहीं करेंगे, यहाँ से ये विवाद आया और हम लोग को हटाया गया। थ्रेट कल्चर, नॉर्थ बंगाल लॉबी, ये सब जो कॉइनेज जो इस पिछले 2 महीने के दौरान सामने आए हैं, तमाम आरोप उनके तरफ से इन लोगों के खिलाफ उठ रहा था। मकसद क्या है, आपने एक अलग फ्रंट का ऑर्गेनाइजेशन सामने लाया है, क्या लग रहा है, गंभीर आरोप था जिस तरीके से, जिसके बलबूते पर कार्रवाई भी कई तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई थी, कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अभी मैंने भी बताया कि इंक्वायरी कमेटी भी बाहर बन रही है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि हर जगह वही लोग प्रेजेंट है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इंक्वायरी कमेटी में भी है, मतलब जो आरोप लगा रहा है वो भी लोग सेम है और जो लोग आपका जजमेंट पास करने वाले वो लोग भी सेम है। तो किसी के साथ अन्याय हो रहा हो सकता है, देयर माइट बी सम पीपल हु हैव डन, जो लोग कुछ खराब किए होंगे काम, हम मैं नहीं बोल रहा कि उनको बचा लो, अगर किसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो आप उनके साथ सच में करो, उनके साथ एक्शन लो, और मैं भी बोलता हूँ कि उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, लेकिन बिना मतलब अगर तुम्हारा किसी के साथ मतभेद है, तुम उस इंसान को साइडलाइन करने के लिए सिर्फ उसके अगर ऊपर आरोप लगा के अपना मोटिव को पूरा करना चाहते हो, खुद पावर में आना चाहते हो, बार बार कह रहे हो कि मुझे इलेक्शन करवाना है, मुझे आगे आना है, मुझे कमेटी में रखो, मुझे इलेक्शन में करो, मैं सेलेक्ट करूँगा, तो ये वहाँ पर हमारा एक मतभेद आ गया, इसी कारण से इन्होंने ये सब कुछ किया है। न्याय दिलवाने के लिए हम लोगों ने ये एसोसिएशन बनाया है ताकि हम लोग सब किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं हो और सब अपना ड्यूटी या पढ़ाई कर सके। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि जिसके ऊपर आरोप है उनको बचाने के लिए बना गया है, हम लोग चाहते हैं कि जिनके ऑर्गेन सच में आरोप है आप लोग उनके अगेंस्ट पनिशमेंट एक्शन लीजिए, बिल्कुल लीजिए, बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा दीजिएगा और उसका लाइफ को ख़राब करने का ट्राई करिएगा, तो ये हमारे हिसाब से सही नहीं है। इसी तरीके से मतलब जितने भी कॉलेज, लगभग हर कॉलेज से 50-40 लोग के ऊपर नाम पे आरोप लगाकर, झूठ बात कहलाकर, फैलाकर उनको बदनाम करना, उनके माता पिता के ऊपर भी क्या गुजर रहा होगा वो भी सोचना चाहिए, तो उन सब के लिए ही एक मनोबल और एक उनको भी न्याय दिलाने के लिए हमारा ये एसोसिएशन बनाया गया। आज ममता बनर्जी से मिलकर उन्होंने कहा है कि पूरे कॉलेज से थर्ड कल्चर जो है उठाना चाहिए, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल उठाना चाहिए, आज तो मैं कह रहा हूँ कि थ्रेड कल्चर बिल्कुल से उठाकर फेंक देना चाहिए बिल्कुल बाहर, लेकिन आज जिन लोगों ने बोला है कि थ्रेड कल्चर उठाना चाहिए, आज वो पूरी थ्रेड कल्चर बन के बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी अगर कॉलेज में घुसेगा तो देख लेंगे, अगर कोई ड्यूटी पे जाता है तो हम लोग समझ लेंगे, आकर हम लोग को जवाब देना पड़ेगा। तो आप खुद बताइए, इस तरीके के स्टेटमेंट क्या थ्रेड नहीं हुए हैं, जहाँ पर वो लोग दूसरे को बोल रहे कि अगर कोई ड्यूटी पे जाता है तो उससे आरडीए समझ लेगा या वो आरडीए को जवाब देगा आकर, तो ये क्या थ्रेट नहीं हुआ? सबका अपना स्वेच्छा है वो काम करे या नहीं करे, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि काम करे तो फिर आप कौन होते हो बोलने वाले, आपके सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो? क्या नाम? मोहम्मद अताउर रहमान, इंटर्न आर्जिकर, आगे चल के फिर ख़राब होने वाला है, तुम लोग को कोई बचा नहीं पाएगा। और यहाँ तक बोला गया कि अगर कोई आकर मतलब आप अगर हम लोग में से कोई लोग अगर घुसते हैं कॉलेज में दोबारा तो देख लिया जाएगा, तो हम लोग को प्रोटेस्ट से खुद डर के मारे हम लोग को भी पीछे हटना पड़ा, प्रोटेस्ट से हम लोग खुद प्रोटेस्ट में योगदान दे रहे थे, लेकिन इन लोगों के कारण हम लोग को प्रोटेस्ट से भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ये लोग कह रहे थे अगर कॉलेज में कोई घुसता है तो फिर हम लोग को देख लिया जाएगा, तो ये क्या थ्रेट नहीं हुआ? तो सीएम के पास आप लोग कंप्लेन भी किया मीटिंग में? हम लोगों ने कंप्लेन तो किया है, लेकिन क्या चीज़ को लेकर किया है ये तो अभी तक एक जगह भी प्रमाण नहीं हुआ है। इतना कुछ होता तो हाईकोर्ट से ऑर्डर क्यों आता कि इन लोगों को अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाता? हम लोग तो चाह रहे कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, कोई भी इंक्वायरी हो स्वच्छ भावित अगर तरीके से होता है तो हम लोग बिल्कुल रेडी है फेस करने के लिए।